रसोई घर माता अन्नपूर्णा का मंदिर होता है और आप रसोई घर में ये गलतियाँ करते हैं तो नकारात्मक शक्ति आपके रसोई घर में वास करने लगती है। जैसे कि अगर आप चप्पल पहनकर चपाती बेलते हैं तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। रसोई घर में कोई कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर आप खड़े हो जाएं तो आपके अंदर सकारात्मक एनर्जी का संचार होता है। ऐसी कुछ बातें आज के वीडियो में बताने वाली हूँ जो रसोई घर से जुड़ी हुई हैं, और माता अन्नपूर्णा के मंदिर में आप कैसे गंदगी फैलाते हैं इसकी भी जानकारी दूंगी, और कैसे सकारात्मक एनर्जी आप घर में ला सकते हैं इन चीज़ों को बर्न करके, इससे आपको लाभ होगा। अगरबत्ती नहीं जलानी है, ना दिया जलाना है, एक ऐसी हर्बल रेमेडी बता रही हूँ जो आपने जला लिया, जो जिसका दिया आपने जला लिया या जैसे उसको आपने बर्न कर लिया, तो नकारात्मक शक्ति की औकात क्या कि आपके जीवन में प्रवेश कर सके। नकारात्मक शक्ति आपसे कोसों दूर रहेगी अगर आप ये प्रक्रिया करेंगे, ये दीपक के रूप में आप जलाएंगे, ये बर्न करेंगे, जो आप ही के घर में मौजूद होती है आपको पता ही नहीं होता है। तो आज इसी पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। व्यूवर सब्सक्राइबर, आप यूं ही खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें इसी ब्लेसिंग्स के साथ। आइए आज का वीडियो शुरू करती हूँ, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आपको क्या करना है, कैसे करना है आपको बताती हूँ। आपको लोहे की एक कढ़ाई लेनी है, शनिवार के दिन या किसी भी दिन ले सकते हैं। और लोहे की कढ़ाई अगर आपके पास नहीं है तो काला तवा ले लीजिए, लोहे का, ये भी काम करेगा। तो उस काले तवे पर आपको एक चीज़ मैजिकल इफ़ेक्ट डालेगी, और वो चीज़ है आप लेमन ग्रास। अगर आपके घर में मौजूद नहीं है तो ऑनलाइन मिल जाती है लेमन ग्रास, सुपर स्टोर पर भी मिल जाती है। तो लेमन ग्रास को आपको लाना है और उसको बर्न करना है, और अगरबत्ती की तरह बर्न कर दीजिए। उसके अंदर से एक ऐसी स्मेल आएगी जो नकारात्मक शक्तियों को भगाने में आपके सहायता करेगी। ये काम हालांकि आप कपूर से भी कर सकते हैं, लेकिन कपूर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ये चीज़, और ये आपके जीवन में ऐसा असर डालती है, नकारात्मक शक्ति आपके ऑरा को भी दूषित करती है, आपका ऑरा गंदा हो जाता है, उस पर भी ये सफाई करती है और आपका ऑरा क्लीन करती है। आप चाहें तो तुलसी की सूखी डंडियों का एक बंडल टाइप आप बना सकते हैं, और उसको बर्न करके उसकी धुनी पूरी रसोई में दीजिए। नित शनिवार और मंगलवार और गुरुवार आप मैजिकल इफ़ेक्ट देखेंगे, आपकी बरकत हो रही है, आपकी तरक्की हो रही है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। माता का मंदिर हम सब पूजा में प्रयोग करते हैं, लेकिन माता अन्नपूर्णा की तरफ यानी रसोई घर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता। हम रसोई घर की साफ़ सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रसोई घर में बर्न करने पर आपको नकारात्मक शक्तियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि रसोई में भी अक्सर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। साफ़ सफाई ना हो या झूठे बर्तन पड़े रहें, सो मैनी रीज़न होते हैं, लेकिन नकारात्मक शक्ति भी आपकी रसोई में वास करती है। और सकारात्मक शक्ति को आप पाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको बर्न करनी चाहिए। सेज भी आप बर्न कर सकते हैं, सेज बर्न करने से भी आपको मैजिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये प्रयोग इतना चमत्कारी है, इन चीज़ों को बर्न करिए और लाभ उठाइए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच।